अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे सिलेबस के रेगुलर क्लासेस और अपडेट पाने के लिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज आप बहुत ही सरलता के साथ देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज 11 नवंबर 2020 और दिन है बुधवार का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय प्रसिद्धी स्कूलों में जो तबादले चल रहे हैं उसके सापेक्ष अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इस बात की खबर आपको होगी कि कोर्ट ने ये कहा था कि सत्र के बीच में अध्यापकों के तबादले नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अंतर जनपदीय तबादले के संदर्भ में प्रसिद्धी शिक्षकों के बीच सत्र में तबादले के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने हाई कोर्ट से इजाजत मांगी है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं इस न्यूज की। बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों का सत्र के बीच में स्थानांतरण करने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी है। परिषद ने इसके लिए अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर दिव्या गोस्वामी केस के आदेश में संशोधन की अर्जी को दाखिल किया है। हाई कोर्ट ने अंतर जनपदीय तबादलों के संबंध में यह भी कहा था कि नियमानुसार बीच सत्र में अध्यापकों के तबादले न किए जाएं। दिव्या गोस्वामी के केस में अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दाखिल अर्जी की प्रति उन्हें प्राप्त हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि इस वर्ष कोरोना के कारण विद्यालयों में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं हो रही है, इसलिए बीच सत्र में स्थानांतरण करने से छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। इसी आधार पर इस वर्ष सत्र के बीच में स्थानांतरण करने की अनुमति मांगी गई है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 में शासनादेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जो शिक्षक एक बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण ले चुके हैं वे दोबारा स्थानांतरण की जो मांग है वो नहीं कर सकते हैं। दिव्या गोस्वामी सहित अन्य दर्जनों शिक्षकों ने याचिकाओं में इस शासनादेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने शासनादेश में सिर्फ अध्यापिकाओं को रियायत देते हुए कहा कि यदि अध्यापिका ने विवाह पूर्व अंतर जनपदीय स्थानांतरण लिया है और उसके बाद उनका विवाह हुआ है तो वह अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग दोबारा कर सकती है। तो ये बात थी। और फिलहाल यहाँ पर अब यही है कि 20 सत्र में जो स्थानांतरण है उसके लिए अनुमति मांगी गई है। और फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आवेदन में त्रुटि हुई है उस पर निर्णय लेने के लिए कोर्ट का आदेश आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव पीएनपी को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 के ऑनलाइन आवेदन में डीएलएड के अंक दर्ज करने की गलती को सुधारने पर विचार करने का निर्देश दिया है। देखिए, यहाँ पर विचार करने का निर्देश है, ठीक है। तो कोर्ट ने याची को 3 सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने और सचिव को उसे 2 माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया ने जन्मेजय शुक्ल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। याची ने ऑनलाइन आवेदन भरा था, तकनीकी कारण से फॉर्म भरने में डीएलएड के अंक भरने में गलती हो गई। याचिका में इस गलती को दुरुस्त करने की अनुमति देने की मांग की गई थी और सरकारी वकील का कहना था कि याची अपनी गलती का लाभ नहीं ले सकता, एक बार फॉर्म जमा हो जाने पर गलती सुधार की अनुमति नहीं है। याची ने वर्षा के केस में हाई कोर्ट के आदेश के हवाले से कहा कि कोर्ट ने गलती सुधार पर विचार करने का निर्देश दिया है। इस पर कोर्ट ने याची के मामले में भी विचार करने का आदेश दिया है। और एक गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो लोग टीजीटी जीव विज्ञान भर्ती को शुरू करने के लिए या शुरू होने के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह शुभ घड़ी आ गई है। तो जितने भी रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष अध्याचन लिया जाएगा और अध्याचन लेने के बाद जो वर्तमान में भर्ती चल रही है टीजीटी और पीजीटी की, उसमें भी जीव विज्ञान को शामिल कर लिया जाएगा। तो यानी कि अभी टीजीटी और पीजीटी में आवेदन की तिथि आगे बढ़ेगी तो इसका फायदा सीधे सीधे उन अभ्यर्थियों को भी होगा जिनका रिजल्ट अभी फाइनल ईयर का अवेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में आवेदन करने के लिए लास्ट डेट तक, मतलब जब तक आप आवेदन करें, आवेदन से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, चयन बोर्ड की ओर से 29 अक्टूबर को शुरू हुई 15,508 शिक्षकों की भर्ती में जीव विज्ञान विषय बाहर करने से इस विषय के तदर्थ शिक्षक भी बाहर हो रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। दूसरा बड़ा कारण इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन करना होना है। हालांकि यूपी बोर्ड ने 1998 में ही हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद से भी लगातार इस विषय के शिक्षकों की भर्ती होती आ रही है।
2018 में इसी आधार पर चयन बोर्ड ने टीजीटी जीव विज्ञान 2016 का विज्ञापन रद्द किया था। उस वक्त यूपी बोर्ड ने नियमावली में विषय संबंधी संशोधन का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा था जो आज तक मंजूर नहीं हुआ है। और ये खबरें आज अमर उजाला, हिंदुस्तान आदि जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें प्रमुखता से जो खबर है वो प्रकाशित हुई है। और इसी के साथ 2016 की जो परीक्षा है उसकी भी मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं कि 2016 की जीव विज्ञान की परीक्षा भी अतिशीघ्र करवाई जाए। फिलहाल फ्रेंड्स वर्तमान में जो भर्ती चल रही है उसमें जीव विज्ञान को शामिल करने के बाद अभी नए सिरे से अध्याचन लेना होगा। जो वर्तमान में पद प्राप्त हुए हैं उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो तदर्थ शिक्षक हैं वो किस विषय के हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा जो सिस्टम है इसे शुरू करने और समय से परीक्षा कराने के लिए सिस्टम को खुद को ऑप्टिमाइज करना होगा। और फिलहाल आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस निर्णय के बाद प्रदेश के लगभग 1,00,000 से अधिक बीएससी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। टीजीटी जीव विज्ञान के पद खत्म किए जाने के बाद आखिर में उस विषय के तदर्थ शिक्षकों की भर्ती में कैसे मौका मिलता, इस बात को ध्यान में रखकर और अभी जो शासनादेश था उसमें कोई संशोधन न होने की वजह से 1921 में का जो शिक्षा अधिनियम है उसमें कोई संशोधन न होने की वजह से ये जो विषय है उसको वर्तमान भर्ती में शामिल किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी खबर है, जितने भी जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उन लोगों को अब परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए, सभी को बधाई। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि आने वाले समय में ये जो चैनल आप देख रहे हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 ये हमारा दूसरा चैनल है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा इस चैनल और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 नए चैनल में। तो इसमें क्या चेंज होगा मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी खबरें आपको मिलती हैं, जो भी सूचनाएं आपको मिलती हैं, वो सारी सूचनाएं सारी खबरें वो जो है स्टडी विज्ञान प्रकाश 2.0 पर आपको मिला करेगी। तो ये चैनल जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप लोग जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और वर्तमान जो चैनल आप देख रहे हैं इस चैनल पर आपको सभी परीक्षाओं के मॉक टेस्ट, सभी विषयों के जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी वीडियोस, जैसे कि मैथ हो गई तो मैथ जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक, इसी प्रकार रीजनिंग जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, तो इस प्रकार से अब आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप कोई भी परीक्षा हो उसमें बहुत ही शानदार अंक लेकर उत्तीर्ण हो सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से जितने भी लोग इस से जुड़े हैं सबका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा, सभी का आभार और धन्यवाद। फ्रेंड्स बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर जो परीक्षा करवाई थी उसकी अनंतिम उत्तर कुंजी मंगलवार को जारी कर दी गई है। आयोग ने अनंतिम उत्तर कुंजी पर 27 नवंबर तक आपत्तियां मांगी हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर जो परीक्षा हुई थी प्राचार्य भर्ती की, अगर ये क्वेश्चन पेपर आपके पास है या आपके किसी जान पहचान वाले के पास है तो फ्रेंड्स उसका फोटो क्लिक करिए और हमें ईमेल कर दीजिए ताकि उसका जो जीएस का पोर्शन है उसे चैनल पर डिस्कस किया जा सके। तो जो लोग भेजेंगे जिनकी सबसे अच्छी कॉपी होगी उनके नाम के साथ मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा। सॉफ्ट कॉपी आप studyvidyan@outlook.com पर भेज दिया करें। जो भी परीक्षाएं आप देते हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी अगर आपके पास होती है तो इस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, इस पर आप मुझे भेज दिया करें। आपका एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी बोर्ड की जो प्रायोगिक परीक्षाएं फ्रेंड्स उसका कार्यक्रम जल्दी जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा मार्च और अप्रैल में कराने की तैयारी है। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2021 की तैयारियां तेज हो गई हैं। बोर्ड जल्द ही प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसका संकेत मंगलवार को बोर्ड सचिव ने जो है एक कार्यक्रम जारी करके दिया है। परीक्षाएं फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं का जो 30% पाठ्यक्रम रिड्यूस किया गया है वो पूरा पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये जो पाठ्यक्रम है वो डाउनलोड करके प्रेषित कर दिया गया है जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले के मान्यता प्राप्त कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक कराएं, उन्हें निर्देश दें कि हाई स्कूल और इंटर के जो प्रैक्टिकल हैं वो हर हाल में 31 जनवरी तक वो निपटा लें। और इसी के साथ 15 फरवरी तक जो आंतरिक मूल्यांकन होता है उसके जो अंक हैं वो 15 फरवरी तक वेबसाइट पर अपलोड हो जाने चाहिए। जो परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा वो मार्च और अप्रैल में कराने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी ने मंडी परिषद भर्ती 2018 के अंतर्गत 284 रिक्त पदों में से 45 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। ये अभ्यर्थी आसुलीपी और
टंकण परीक्षा के लिए 261 सफल घोषित किए गए हैं, ठीक है, 284 में से 261 सफल घोषित किए गए हैं, बाकी पदों का परिणाम बाद में जारी होगा। आयोग ने आंसू लिपिक के 10, कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन के 18 और कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के रिक्त 17 पदों पर चयन के लिए परीक्षा परिणाम घोषित किया है। और फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर हौसले हो तो उम्र आड़े नहीं होती आती है, और फिलहाल यही एक मिसाल है जहां पर आप देख रहे हैं कि 57 की उम्र में टीजीटी का इंटरव्यू देने पहुंचे दीनानाथ। तो 2016 हिंदी विषय के साक्षात्कार शुरू हुए हैं, पहले दिन की आकर्षण का केंद्र 57 साल के दीनानाथ तिवारी रहे जो शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार देने पहुंचे थे। कुर्ता पायजामा और सदरी पहने दीनानाथ इंटरव्यू बोर्ड का सामना करने के बाद जब बाहर निकले तो दूसरे प्रतियोगी छात्रों ने उन्हें घेर लिया। सब उनसे जानना चाह रहे थे कि साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। उन्होंने बताया कि विषय विशेषज्ञों ने पसंदीदा कवि काव्य शास्त्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछे थे। ज्ञात हो कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की कोई अधिकतम आयु सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी अन्य प्रदेशों में ये है। तो हौसले बनाए रखिए और उम्र को अपने आड़े मत आने दीजिए। जितना अधिक आपका हौसला होगा उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और फ्रेंड्स टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो studywithgyanprakash.com पर दिन में एक बार आप विजिट जरूर किया करें, क्योंकि यहां पर आपको प्रतिदिन अपडेट किया जा रहा है पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं और जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है उससे। जैसे कि आज हम कला 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है विद साल्व आज अपलोड करेंगे तो उसको आप देख पाएंगे, बाकी के विषयों के जो हैं वो भी पहले से अपलोड हो चुके हैं। और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक यहां पर दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। याद रखिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।